32 रुपए किसान की आए है, 80 करोड़ लोगों की, 32 रुपए की रोज की आए है, रोज की। और उस किसान को एक एकड़ के लिए 8,000 रुपए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए बिना अपने खेत में बीज नहीं बो सकता। ज्यादा टैक्स शाहरुख खान से बड़ा तन्नुएना बेरा। आज के दिन मजदूर और किसान से अधिक भारत सरकार के आंकड़े लेके देख ले, इनसे अधिक टैक्स किसी साल जमा ना कराया। इसका अपना धर्म कोई नहीं, वो दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे है। जिसका अपना धर्म कोई नहीं है वो दूसरे के धर्म पर उंगली उठा रहे है। तो धर्म क्या है बताइए? धर्म तो यो है, सभी धर्मों में बता दूं, मेहनत करके रोटी कमा के खाओ, जितना हो सके यथा संभव किसी दूसरे की जरूरतमंद की मदद कर दो। कोई से धर्म उठा ले जो है, बिल्कुल उद्देश्य है सभी धर्मों का। बिल्कुल। क्या कपड़े बदलना देश सेवा है? कपड़े बदलना देश सेवा है क्या? अपराधियों को वक्त से पहले रिहा करना देश सेवा है क्या? 32 आदमी जिसकी सजा के लिए मर गए सजा कराते वक्त, राम रहीम, उस अपराधी से अपनी सभा में प्रचार कराना देश सेवा है क्या? सबसे बड़ा मूल कर एक बात बताओ, कोई सेवक क्या 100 करोड़ रुपए कमा लेगा 5 साल में? ये सेवकों की 100-100 करोड़ की संपत्ति कैसे बनी? और नागरिक भूले हुए क्या है जो मैं उस लड़के को कहना चाहता था, हम इस देश के मालिक हैं और तुम मीडिया में हो तो हमारे नागरिकों के सेवक हो। बिल्कुल। और यहाँ का राष्ट्रपति भी नागरिकों का सेवक है, प्रधानमंत्री जिसे कहते हो वो प्रमुख सेवक है। प्रधानमंत्री ने पार्टी दे रखा हम नागरिकों को बरगलाने के लिए। अच्छा। ये इसका बाप राजा था क्या? इसने तीर तलवार से लिया है क्या राज? इसको ने तो हमारे पैर पकड़ के वोटों की भीख मांगी है। हमारे भाइया ने वोट दे दी, पार्टी ने का नाम धर दिया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं है ये, ये प्रधानमंत्री का शब्द जो है पार्टी का दिया हुआ है। अब ये जब इसने लॉकडाउन लगाया था अचानक, ये कहाँ की समझदारी थी इसकी? इसने ये नहीं पता लॉकडाउन लगा दिया, पेट तो दोनों टाइम खाने के लिए मांगेगा, वो कहाँ से आएगा? तो जनता को भी तो फर्क नहीं पड़ती चाचा। यार बेटे जनता के वो है तो बताऊँ ना, एक तो तू अपने आप को नागरिक समझ, जनता तू समझना नहीं चाहता। मालिक कभी किसी को कलम नहीं देता है, कलम हमारी है। मैं जो बताना चाहता हूँ ये कलम, हमने आदेश देना नहीं सीखा है आज तक। पूरी दुनिया में किसी भी नागरिक ने किसी सेवक को आदेश दिया है क्या? समस्या क्या है? समस्या क्या है भारत की इस वक्त? अरे समस्या मैं बताऊं तो लग रहा है, अशांति फैल रही है। क्यों फैल रही है? धंधा करे हैं, अधिक कर लगाए जा रहे हैं, टैक्स चोरों को छूट दी जा रही है, टैक्सों को और गलत चीजों पर टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये 4 उंगल की कत्तर बनाई थी इन्होंने लॉकडाउन में, सिवाय नागरिकों के किसी सेवक का चलान हुआ? जबकि उन सेवकों ने देश में घूम घूम कर प्रचार कराया। लेकिन ताऊ मुसलमानों को तो टाइट कर दिया ना। एक बात बता, ठहर ले तेरे हिंदू मुसलमान, पूरी दुनिया में चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ जो समाज में रहकर अपने बच्चों की परवरिश मेहनत करके करता हूँ, एक मुसलमान एक हिंदू एक सिख एक ईसाई को लिया दी, कौन सा धर्म जो कहे है और कम सामाजिक बुराई कर कर वो धर्म उस धर्म के अधिकारी है? मारा अपना धर्म है कोई ना, मारा धर्म तो एक से टुकड़े ने टुकड़े पेट भर दिया। लेकिन अपमान भी तो कर रहे हैं लोग। अरे अपमान, जब जिसका अपना धर्म कोई नहीं वो दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे है, जिसका अपना धर्म कोई नहीं है वो दूसरे के धर्म पर उंगली उठा रहे है, और ये धर्म को नहीं उठा रहा। तो धर्म क्या है बताइए? धर्म तो यो है, सभी धर्मों में बता दूं, मेहनत करके रोटी कमा के खाओ, जितना हो सके यथा संभव किसी दूसरे की जरूरतमंद की मदद कर दो। बिल्कुल। कोई से धर्म उठा ले जो है, बिल्कुल उद्देश्य है सभी धर्मों का। बिल्कुल। हो क्या रहा है? लेकिन हो जो रहा से कि भ्रष्ट राजनेताओं ने कुछ गुंडे पाल लिए, जो ये हो रहा है इसके बारे में भारत को आजाद होने से पहले चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, यस, कि आज तो तुम राज कर रहे हो, तुम तो ठीक चला लोगे, पर भविष्य में इस देश पे गुंडे काबिज हो जाएंगे और वो नागरिकों को तरह तरह से प्रताड़ित करेंगे। पर चर्चिल ने ये नहीं पता था, अब वो कुदरत पता नहीं क्या किसी के माध्यम से इन गुंडों का भी इलाज कर देगी। समाधान क्या है बताइए? समाधान सिर्फ हस्ताक्षर अभियान से एक आदेश लिखना है, हमने सामूहिक आदेश देना है, जिसकी संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है। अच्छा। अगर उसके बाप दादा के पास 3 करोड़ नहीं था, वो जब्त होगी, उसको सुधरने का 1 हफ्ते का मौका होगा। अच्छा। उसको नौकरी का बचाने का 1 महीने का मौका है। अच्छा।
चाहे सेवानिवृत्त हो या सेवारत हो। अच्छा, कोई भी सेवक। आप क्या करते हैं? मैं तो भाई तेरे आगे बात करने लग रहा हूँ। नहीं नहीं, आप करने वाले क्या हैं? मैं करने वाला तो रोटी खाऊं सो जाऊं। रोटी तो हम भी खा रहे हैं। नहीं, हम तो मतलब कैमरा लेके खड़े हैं, आप क्या करते हैं? अरे कैमरा लेके जो करे है, मैंने खेती करते हैं। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? खेती करिए कौन करता? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। राव जी, आपने एक चीज देखा होगा कि लोग, एक फिल्म आई है उसको लेकर लोग आजकल बहुत बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवा कलर का। मेरी बात सुने, खाली दिमाग शैतान का घर। लोग काम करे हैं, ऊपर टैक्स तरह तरह के लगाते हैं। भाई समझ में, तरह तरह के टैक्स लगाते हैं। आज के दिन भारत में अगर कोई चीज बनाओगे, सबसे ज्यादा टैक्स है। मैन्युफैक्चरर पे सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान में है। क्यों? अब टैक्स इनने केस है 18% GST। अब सुनिए ताऊ जी, आप कह रहे हैं 18%, लेकिन जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं शाहरुख खान, उनको लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेज दो। और ज्यादा टैक्स शाहरुख खान से बड़ा तन्नुए ना बेरा। आज के दिन मजदूर और किसान से अधिक भारत सरकार के आंकड़े लेके देख ले। अच्छा। इनसे अधिक टैक्स किसी साल ने जमा ना कराया। लेकिन पाकिस्तान भेजने की बात की। अरे पाकिस्तान भेजने की उनमें अपनी अकल है। उनके अपने उन्नत है। ये से कोई इस बात को जो मैं कहना चाहूँ उसको तू भी नहीं सुनना चाहता। सुन में क्या है, किसान मजदूर, किसान की जो मैं कह रहा था समस्या है। आज के दिन 2014 के बाद इसने किसान की आय दुगनी की करने की बजाय उसके खर्चे को 4 गुना कर दिया। सबसे पहली चीज क्या बताऊंगा मैं, भारत सरकार के आंकड़े बताते, मैं नहीं कहता। 32 रुपए किसान की आय है, 80 करोड़ लोगों की 32 रुपए की रोज की आय है। और उस किसान को 1 एकड़ के लिए 8,000 रुपए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए बिना अपने खेत में बीज नहीं बो सकता। लेकिन मंत्री जी तो कहते हैं जो 32 रुपए कमाता है वो ना मंत्री का, वो गरीब नहीं है। सेवक कैसे? अच्छा, सेवक, सेवक झूठा है। अच्छा, झूठ क्या, झूठ बोलने के लिए वोट दिया क्या हमने उसको? प्रधानमंत्री तो सेवक ही बोलते अपने आप। वो बोलने क्यों से, वो सेवक तो बोलेगा क्यों करे? सेवक उसकी हिम्मत है, वो कहते प्रधानमंत्री चौकीदार बोलते हैं अपने आप को। वो चौकीदार भी कौन है? वो ड्रामेबाज है और झूठा मक्कार है। अच्छा, हाँ, और काम चोर है। एक बात बता, क्या कपड़े बदलना देश सेवा है? कपड़े बदलना देश सेवा है क्या? अपराधियों को वक्त से पहले रिहा करना देश सेवा है क्या? 32 आदमी जिसकी सजा के लिए मर गए सजा कराते वक्त, राम रहीम, उस अपराधी से अपनी सभा में प्रचार कराना देश सेवा है क्या? देश के 80 करोड़ लोगों को, जब कांग्रेस का 21 करोड़ लोग बेरोज गरीब थे, 60 करोड़ लोगों को गरीब बना के इसने देश सेवा की है। ये देश सेवा है, ये देश का आज तक किसी ना चाइना ने ना पाकिस्तान ने। लेकिन ताऊ, हर चुनाव तो जीतते जाते हैं वो। अरे चुनाव जो थोड़ी जीतते से, कौन जीतते? चुनाव तो ईवीएम है। अच्छा, ईवीएम का मैं, अगर तू साइंस पढ़ रहा हो तो ईवीएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर चलती है और इसके ऊपर कमांड दे दे तू कितने गेरे दे वोट, वोट जीत वो कमांड दे रहा क्यों उड़ जाएगी और यह भी खत्म हो जाएगी। इतना आसान है, है? इतना आसान है। कितना आसान है? आसान थे बिल्कुल। तू वोट दे रहा किससे दे, जीत वो कमांड दे रहा क्यों उड़े, ये तू चलाऊ ला रहा फेसबुक पे। इसमें जो प्रोग्राम सेट कर रखे है वो ही प्रोग्राम आओगा। और इसने भी तो जो वो इसराइल की कंपनी ने जो बनाया था सॉफ्टवेयर, वो तेरे फोन में और भी चीज लोड कर दे। जब इतनी चीज ये इतनी बदमाशी चल रही है। नहीं ताऊ, सवाल ये है कि ईवीएम हैक करना इतना आसान है? कि आसान, अगर तू साइंस पढ़ लेगा तू 3 दिन में कर देगा। हाँ, साइंस ही पढ़ा है। मैं पढ़ाया थे, ये बता कौन सी तरंग का बचा है यार, इसमें के के लग गए हैं, डायोड बदले जाएंगे और के लग गए वो खाम खाम की मन्ना मन्ना भगा हुआ मन पड्डा ना पर सुन रखी ये बात। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। जैसे मतलब ईवीएम को लेके बार बार सवाल उठता है। सवाल उठता है ईवीएम का, एक तने और मॉडल दिखा दूं। पूरे भारत में तेल बेचा जा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन थे, गलत तो नहीं कर रहा? बिल्कुल, 1,000 रुपया तेल गलवा लेना, 900 का होगा तकरीबन 80% पंपों पे। अच्छा ताऊ, एक सवाल है, जैसे लोग जो है ना भड़क जाते हैं, कोई मुद्दा आ जाता है, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं करते जो जवान आज के। अरे सुने, फिल्म की बात करते हैं। अरे सुने, मैं कह रहा हूँ वह भड़के वैसे जिन्ना आराम का मिलन लग रहा है। एक्चुअल में जो मैं कहना चाहता था ना, आपने वो सुनने की कोशिश, मैं सुन लिया। ये सड़क बनी है, मैं सारी बात। अरे सुने, ये पटरी बनी है, इसमें थे यहाँ का काउंसलर विधायक, इसके जितना माल लगे इसमें कितने परसेंट उसकी कमीशन गया है, वो कमीशन क्या वैधानिक है?
वो नाजायज नहीं है क्या? इसीलिए तू भी मुद्दे ना भटकाओ से। भटका नहीं रहा हूँ मैं जो भी सरकार काम करती है, पहले थे पीछे कर्नाटक तक आवाज आई थी, 40% नेताओं की जेब में जाता है, सेवकों की, जनता की गलती है ना, तो ये तो मैं फिर वही बात कर, सुन ले बेटे, मैं जब जनता की गलती बताऊ तू बात ना घुमाओ फिर, नहीं जनता की गलती है ना, क्या आवाज, जनता की गलती थे, मैं तेरे तो जो बताऊ था वो बात तेरे पूरी नहीं सुनी। माँ बाप ने एक अज्ञानी को हमारा टीचर बता दिया, उसके पैर पकड़वा दिए, और उसने जो गलती की उसने उस मालिक को क्या सिखाया? सेवक को आदेश मत दो, सेवक के आगे हाथ जोड़ के सावधान खड़े हो जाओ, अब तू है यहाँ का SHO हो। और मैं आ गया थाने में, एक तो मैं कहते दरोगा जी राम राम, और एक अरे यहाँ पे सेवक कौन है, तेरे कार्य व्यापार में फर्क पड़ जाएगा, तेरी हिम्मत जो है, तेरी हिम्मत मेरे से अगर रिश्वत लेने की होगी तो टूट जाएगी, यही हमारा ज्ञान है। चलिए।